नमस्ते दोस्तों मैं अदिति सिंह आप सब लोग सोच रहे थे ना मैम आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का आईटी का लेक्चर सीरीज धमाका सीरीज स्टार्ट कर दिया है लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए तीन तीन लेक्चर्स आ गए ट्वेल्थ ने क्या किया है ट्वेल्थ के लेक्चर्स क्यों नहीं सो so, आज हम ट्वेल्थ कॉमर्स एंड साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है ना एडवांस वेब डिजाइनिंग उसे स्टार्ट करेंगे एंड ये पूरे चैप्टर को एकदम इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करेंगे सारे आउटपुट्स निकालेंगे सारे कोर्स लिखेंगे एंड फुल सेशन एंजॉय करेंगे सो so, सबसे पहला चैप्टर हम अब स्टार्ट करेंगे वो है सॉरी एडवांस वेब डिजाइनिंग एच टी एम एल बहुत सुना होगा ना ये नाम एच टी एम एल सब सुनते हैं वेब डेवलपमेंट में हम एच टी एम एल यूज करते हैं हमें वेबसाइट बनाना है हम एच टी एम एल यूज करते हैं लेवेंथ में भी हमने एच टी एम एल किया था शायद टेंथ में भी किया था तो ये एच टी एम एल का है क्या एच टी एम एल इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इट इज इन लैंग्वेज इवॉल्विंग लैंग्वेज यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो अभी और एडवांसमेंट में जा रही है विद डिफरेंट वर्जन सपोर्टिंग डिफरेंट फीचर्स इसके जो वर्जन है प्रेजेंटली एच डी एम एल फाइव चल रहा है तो ये जो वर्जन है ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है एच टी एम एल इज करंटली यूज बिकॉज इट सपोर्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसे ये बहुत सपोर्ट करता है इसकी वजह से हम इसे सीख रहे हैं या ज्यादा ये अभी फ्लो में है द मेजर ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स

उसी प्रकार सफारी विच इज इन आईफोन सॉरी एंड फिर नेक्स्ट है कि हम एच है क्या वो समझते अब एच का कोड शायद कोई कोई भूल गया होगा तो उसको समझना पड़ेगा ना एच है क्या पहले जब हम एच पढ़ रहे थे ना एंड ट्वेल्थ में उस समय ना ये नहीं लिखा जाता था डॉक्टाइप एच डी अब ये क्यों लिखते हैं हम हम इसके लिए लिखते हैं ताकि हम हमारे जो कंपाइलर है या हम जो हम यूज कर रहे हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग फाइल उसे पता होना चाहिए कि भैया हम एच टी एम एल फाइव यूज कर रहे हैं ओके okay? अब हम सबको पता है एच टी एम एल में एक ओपनिंग टैग होता है क्लोजिंग टैग में एक स्लैश होता है राइट right? तो इधर भी हम वही सारी चीजें देख रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है एक ओपनिंग टैग है पूरा एंड उसमें हमने लिखा है डॉक टाइप एच टी एम एल नेक्स्ट हमने एच टी एम एल को बुलाया है, है क्या ओके okay? नेक्स्ट है टाइटल गिरी टूटोरियल हमने डाला ट्यूटोरियल्स एंड हमने टाइटल को यहाँ पे क्लोज किया है यहाँ पे हमने टाइटल ओपन किया है एंड वहीं पे हमने क्लोज किया है हमेशा एक चीज याद रखना जो टाइटल टैग होता है ना ये हेड के अंदर आता है हेड जब आप ओपन करोगे हमने हेड यहाँ पे ओपन किया और हेड हमने यहाँ पे क्लोज किया राइट right? तो हम उसके बीच में टाइटल को लिखते हैं और वहां एंड क्लोज कर दिया टाइटल को नेक्स्ट है है बॉडी बॉडी टैग 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 एक ऐसा है जिसके अंदर हम हमारा पूरा एच का जो मेन वेब पेज पे जो हमें दिखने वाला है ना उस कंटेंट को डालते ओके एंड इसकी भी क्लोजिंग बहुत नेसेसरी होती है नेक्स्ट है हमने क्या यूज किया है इसमें अब बॉडी टैग तो बना दिया लेकिन हम इसे इसके अंदर क्या क्या कंटेंट डाल रहे हैं तो सबसे पहले जो हम इसमें कंटेंट डाल रहे हैं वो है हमारा एच वन एच क्या होता है आप हर चीज को बोल्ड बड़ा ब्लैक ब्लैक एकदम बोल्ड बोल्ड में लिखते हो ना बड़ा साइज रहता है एच वन के जो टैग है हेडिंग जो टैग है इसके छह टाइप्स है छह टाइप्स नहीं छह है वो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स राइट तो इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है यानी कि ये ओपनिंग एंड ये closing, ये बहुत necessary होता है। इस, अगर आपने H1 open तो कर दिया लेकिन आपने close कहीं यहां पे कर दिया suppose, तो ये क्या होगा ना वाला, ये दोनों को एच हेडिंग टैग में डाल देगा तो जब जो चीज आपको चाहिए ही हेडिंग में उसको वहां लिख के मतलब नहीं आया तो हम उसे इमीडिएटली जहां हमें चाहिए वहीं पे हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा ओके okay, तो हेडिंग टैग से हम क्या करेंगे बोल्ड करेंगे साइज जो फॉन्ट साइज है वो बड़ी कर देंगे ओके okay? अब ये एचआर क्या है एचआर कंपनी अचार नहीं एचआर क्या है हॉरिजॉन्टल रो यानी कि अगर आपने एचआर टैग अगर लिखा तो आपका जो आउटपुट होगा हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे डोंट वरी आप कुछ-कुछ चीजें नहीं समझ रही होगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं नेक्स्ट है आई होप आप सबने ये सब कुछ लेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा है नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ टैग पैराग्राफ टैग का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है आप जो भी कंटेंट टेक्स्ट को जिसको भी पैराग्राफ में डालना है वहां ओपन करना होगा और एंड में क्लोज करना होगा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इट्स अदिति सिंह योर आई टी मैम ऑफकोर्स आई एम योर आई टी मैम राइट नेक्स्ट हमने जो यहाँ किया है हमने एक नई चीज की है क्या भैया हमने लाया है div टैग ओपनिंग क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट div टैग जो है ये आपका जो वेब पेज है ना इसको डिवाइड करेगा यानी कि समझो ये मेरा एक वेब पेज है राइट right? अगर ये मेरा वेब पेज है और मैंने अगर एक बार div टैग यूज किया तो मेरा एक div बन जाएगा एक कंपार्टमेंट बन जाएगा दो बार यूज किया तो वो ऐसा हो जाएगा तीन बार यूज किया तो हमें वन टू एंड थ्री कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे थ्री डिविजन मिल जाएंगे एग्जैक्टली exactly. और उसी प्रकार जो डिव है डिव टैग जो है इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि आईडी यानी उसको नाम देना जरूरी है यूनिक आइडेंटिटी देना जरूरी है तो हम इसे यूज कर सकते हैं एडवांस वर्जन में अब तो हम बेसिक साथ देख रहे हैं तो इसमें हमने एक चीज देख रहे हैं स्टाइल कहीं देखी होगी ना स्टाइल स्टाइल सी याद करो सी को

हमारा बॉर्डर चाहिए सॉलिड यानी कि हमारा जो बॉर्डर होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा एक सॉलिड फॉर्म में आएगा और ब्लू हमारा जो बॉर्डर है वो ब्लू ब्लू कलर का रहेगा राइट हम उसके अंदर क्या कंटेक्ट डाल रहे हैं लेट लेट स्टडी एवरीथिंग अबाउट एच और हमने वहां पे एच डिम टैग को क्लोज कर दिया बॉडी टैग का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था एच टैग का भी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने ये कोड एग्जीक्यूट किया है राइट कोड एग्जीक्यूट करेंगे डोंट वरी हमें कुछ ऐसा ऐसा आउटपुट मिल रहा है हो कि थोड़ा सा ब्लर है बट समझो ये एक आउटपुट है जो हमने अभी पढ़ा ना जस्ट उसका आउटपुट है अभी मैंने पर्सनली ये चीज देखी है कि जब हम इलेवंथ स्टैंडर्ड या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में थे हमें ऑनलाइन कंपाइलर यूज करने अलाउड नहीं थे राइट तो एग्जाम ड्यूरेशन में हमें कोई एक या फिर प्रैक्टिकल में हमें अलग मेथड से एच को एग्जीक्यूट करना रहता है कैसे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा जो एच का प्रोग्राम है यानी कि जो प्रोग्राम सपोज हमने अभी पढ़ा उस प्रोग्राम को हम लिखेंगे नोट में लिख के हम उसको सेव करेंगे एक समझो मेरा डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फर्स्ट फाइल नाम फर्स्ट करके एक फाइल है उसको सेव किया बस इतना याद रखना इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग जैसे कि आपने एक कोड लिख दिया तो आपको उसको सेव करना है सपोज मैंने उसको सेव किया फर्स्ट नाम से तो फर्स्ट डॉट html ये एक्सटेंशन देना मैंडेटरी है मतलब अगर आपने डॉट html नहीं लिखा तो आपका जो कंपाइलर है या आपका जो एक्सप्लोरर है वो उसे समझ ही नहीं पाएगा कि आपने किस चीज के लिए उसको सेव किया है इसके लिए एक्सटेंशन यानी डॉट एच टी एम एल ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है हमने इसे अब ये सेव कर दिया तो आपको ये डेस्कटॉप पे दिखने लगेगा सा एक आइकन दिखने लगेगा फर्स्ट नाम से उसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दो डबल टैप कर दो या क्लिक कर दो डिरेक्टली एक नए न्यू टैब में ओपन हो जाएगा क्रोम में ओपन हो जाएगा या फिर जब हमने पढ़े ना मोजिला फायरफॉक्स में ओपन हो जाएगा वहां पे ओपन हो जाएगा और आपको आपका पूरा आउटपुट -पूर दिखाई देगा राइट तो ये सारी चीजें थी जो हमें प्रैक्टिकल्स में फॉलो करनी पड़ती है हमें वहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता है तो हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है लेकिन लेक्चर्स के ड्यूरेशन में जो अभी हम सीरीज कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों का इतना सा भी टाइम वेस्ट हो सो so, हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे आप भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो एच को तो डू यूज ऑनलाइन कंपाइलर जस्ट गो इन गूगल सर्च करो एच के ऑनलाइन कंपाइलर एडिटर्स और आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे सो so, आज जो हम यूज कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले तो हम ये कोड को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टाइम तो हमें वेस्ट करना है नहीं लेट्स कॉपी दिस समझो मैंने यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया ये है हमारा बेसिक सा एक एचटीएमएल का प्रोग्राम ज्यादा कुछ तो है नहीं ये है हमारा एक ऑनलाइन कंपाइलर ओके अब हम क्या करेंगे हमारा कोड यहां पे

और फिर उसके बाद हेड क्लोजिंग एच एम एल और फिर हमने बॉडी को ओपन कर दिया बॉडी के अंदर हमने एच वन टैग को यूज किया राइट right? तो अब एच वन टैग को हम थोड़ा सा एडिट करके देखते हैं कि अगर मैंने इसको एडिट कर दिया तो हमें कैसा दिखाई देगा समझो मैंने लिखा कोर्स हमारे कॉमर्स के भी है सो विल टाइप कॉमर्स फॉर देम आल्सो तब आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स भी आ गया कैसे आया आपका जो आउटपुट है वो मॉडिफाई हो गया क्यों क्योंकि आपने एच वन टैग जो है उसके अंदर कॉमर्स को इन्वॉल्व कर दिया ओके okay? अब ये एच आर मैंने बोला ना हॉरिजॉन्टल रो हॉरिजॉन्टल रो करके एक समथिंग होता है ये देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन जा रही है ये हमारी हॉरिजॉन्टल रो अगर सपोज हमने इसे हटा दिया मैंने इसे हटा दिया नोटिस किया कुछ चला गया यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल रो थी हमारी वो डिसअपियर हो गई यानी कि अगर हम ये रो लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रो का टैग डाल रहे हैं तो हमारा अच्छा जो जो दिख रहा है थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, है, तो अच्छा। अच्छा है। एकदम परफेक्ट नहीं है बट अच्छा दिख रहा है नेक्स्ट हमने यूज किया था पैराग्राफ टैग पैराग्राफ टैग एक नए लाइन में हम लोग को कंटेंट लिख के देता है एक नए लाइन में ओके तो आप उसमें कुछ भी डालो बस क्लोजिंग टैग हमेशा डालना जहां पे भी आपको कंटेक्ट को खत्म करना होगा टैग अब समझो मैंने ये जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है इसको मैंने यहां से हटा दिया ओके? अब मैंने ये हटा दिया डिव टैग तो हमने यूज कर दिया बट आपको विजिबल है क्या कि कहीं पे डिव हम यूज कर रहे हैं कहीं पे दिख रहा है क्या कि हाँ हमने वेब पेज को हमारे डिवाइड कर दिया नहीं दिख रहा सो so, अगर हमें हमारे डीव को अपियर अप्योरेंस देनी है एक आइडेंटिटी देनी है कि हमने भाई हमारे वेब पेज को एक नया पार्टीशन दे दिया तो हम उसमें सी एस एस यूज करेंगे राइट सीएसएस बोला ना मैंने सी एस एस यूज करेंगे बिना सी एस एस यूज करें आप अपने डिव टैग को मॉडिफाई डेकोरेट या फिर जो उसको सजावट हम करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे यानी कि हम डिव टैग का जो डिव टैग है उसका जो मेकअप है ना वो हम किससे करेंगे सीएसएस से तो हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो था इनलाइन लाइन सी एस दिखाई दिया है मैंने यहाँ पे डाला है बॉर्डर हमें हमारे डिव को अलग करना है बाकी से तो हमने यहाँ पे एक बॉर्डर वाला जो है यूज कर दिया है सो तो आपको दिख रहा होगा ना कुछ बॉर्डर बॉक्स जैसा कुछ दिख रहा है तो ये आया बॉर्डर से सपोज मैंने बॉर्डर का जो पिक्सल है मैंने यहाँ पे टू डाला था मैंने फाइव डाल दिया बड़ा अगली सा लग रहा है राइट right? तो ये थिक हो गया हमारा जो बॉर्डर का पिक्सल था हमने टू से कर कर दिया हम उसे वापस टू कर देंगे फिर फिर पे है है मैंने लिखा है, solid ये solid हमको बीच में लिखना याद है, सीक्वेंस, फिर solid term, यानि कि आपकी कैसी होनी चाहिए उसका कलर आता है ये हो गया हमारा सॉलिड यानी कि स्ट्रेट लाइन अब हम कलर चेंज करते हैं सपोज ये ब्लू बड़ा अगली सा लग रहा है जैसे ही हमने चेंज कर दिया तो ब्लैक हो गया कैसे क्योंकि हमारा जो ब्लैक कलर है ये डिफॉल्ट कलर है अगर हमने कुछ कलर नहीं डाला तो वो ब्लैक हो जाएगा सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया रेड रेड हो गया सपोज मैंने यहां पे डाल दिया येलो येलो दिख नहीं रहा तो हम डाल देते हैं ग्रीन दिखा शायद दिख रहा होगा कुछ कुछ तो हमारा जो ये पूरा कॉन्टेक्स या फिर जो उसका बॉर्डर कलर है वो ग्रीन हो गया फिर के बाद हमने बॉडी को क्लोज कर दिया है एच को क्लोज कर दिया है एच टी एम एल इसमें हमने सिर्फ समझा कि एच टी एम एल में कौन से कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं या क्या क्या होता है कैसे हम एडिट करेंगे जिन जिसको भी नहीं आता होगा कि एच टी एम एल का सिंटैक्स क्या है हमें क्या फॉलो करना है तो याद रखो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप एच उसके बाद एच को ओपन करेंगे उसके बाद हम हेड ओपन करेंगे फिर टाइटल ओपन क्लोज करेंगे फिर हेड को क्लोज कर देंगे हमें हेड सेक्शन से निकलना है फिर हम बॉडी टैग को इंट्रोड्यूस करेंगे और पूरा हमारा जो कंटेक्सट है वो हम बॉडी में लिखेंगे राइट फिर उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करके एच को क्लोज कर देंगे चलो इसको ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हमारा जो हेड है वो हमारे टाइटल को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा टाइटल है समझो यहाँ पे टाइटल है मेरा मेरा हेड मेरे टाइटल को रिप्रेजेंट करेगा और मेन जो पूरी बॉडी है वो मेरे फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगी सेम वे में हमें हमारा फीचर्स अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम बॉडी टैग में यूज करेंगे आगे की जो चीजें हैं उसे देखते सो अब नेक्स्ट है हमें और भी सारा चीजें पढ़नी है ना बहुत सारी चीजें हैं अगर आपको उसमें क्लियर नहीं होगा समझो तो देखो यहाँ पे ये था हमारा आउटपुट इसे ट्राई करो एग्जीक्यूट करने का हो जाएगा जरूर हो जाएगा और अगर नहीं हो रहा है तो डू कमेंट तो मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगी नेक्स्ट है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है आउट कर देते हैं ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना फॉर्म्स कहीं देखा होगा बहुत बार फिल किया होगा ये फॉर्म भर दो ये कंपनी का फॉर्म भर दो हम कंपनी का फॉर्म भरते हैं ये कॉलेज का भर दो इस चीज के लिए भर दो बहुत सारे फॉर्म्स भरे होंगे तो ये एक ऑनलाइन फॉर्म है तो सॉरी फॉर्म इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा है नेम बिना नेम के तो फॉर्म पता नहीं चलेगा नेम है एक टेक्स्ट बॉक्स है ईमेल है एक टेक्स्ट बॉक्स है डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर जैसा टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर कैलेंडर दिख रहा होगा एड्रेस एड्रेस है जो एक टेक्स्ट बॉक्स है नंबर ऑफ आईडी प्रूफ्स आपके पास कितनी आईडी प्रूफ्स है वो एक टेक्स्ट बॉक्स है फोन नंबर टेक्स्ट बॉक्स एंड सबमिट बटन ओके अब मैंने इसको सबको टेक्स्ट बॉक्स बोल दिया बट ये एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ दिखाई दे रहे हैं बट इसके एक इंडिविजुअल फीचर्स है इंडिविजुअली हम इसे कोई चीज अलॉट करते हैं जैसे कि अगर हमने ईमेल डाल दिया तो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमने ईमेल डाल दिया तो सही होगा क्या नहीं तो हम क्या करेंगे हम उस ई को ई करके एक जो वैल्यू uh, है उसमें डालेंगे ताकि अगर किसी बंदे ने या समझो मैंने मुझे ईमेल टाइप करना है बट मैंने मेरा ईमेल जस्ट ऐसे लिख दिया समझो अदिति वन टू थ्री करके और जी डॉट कॉम लिख दिया तो ये वैलिड है क्या इज इट अ वैलिड जी आईडी नहीं है तो हम सामने वाले को कैसे रोकेंगे कि भाई ये गलत है ये मत करो हमारा फॉर्म इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम इसमें यूज करेंगे ईमेल वाली एक वैल्यू तो हमें वो इमीडिएटली चीज नोटिफाई करेगा क्या कि आपने गलत कर दिया है आपने एक चीज मिस कर दी है जिसे हम एट द रेट कहते हैं तो अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा डिलीट करो अदिति वन टू थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम को डालो और फिर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा या फिर प्रोसीड करेगा उसी तरीके से फोन नंबर फोन नंबर में अगर आपने आपका कैरेक्टर्स डाल दिया समझो हमें सबको पता है कि फोन नंबर में सिर्फ डिजिट्स होते हैं लेकिन सपोज मैंने उसमें कैरेक्टर्स डाल दिया तो ये गलत है, course, गलत है। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसके लिए हम उसे एक अलग चीज में डालेंगे जिसे हम टेली कहते हैं उसी तरह एड्रेस किसी का भी एड्रेस वन लाइन का होता है क्या नहीं होता है हमारे एड्रेस में बहुत सारी चीजें होते हैं तो उस चीजों को हम मल्टीलाइन टेक्स्ट में मल्टी टेक्स्ट में डाल देंगे तो हमें एक्सेप्ट करेगा अब ये बड़ा अगली सा लग रहा है येलो कलर आई कैन अंडरस्टैंड शायद आपको ये सही से विजिबल भी नहीं है सो so, ये जो है हमने किया है सीएसएस से सीएसएस स्टाइलिंग हमें पता है ना एचटीएमएल अधूरा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हम उसमें स्टाइलिंग नहीं डालेंगे तो हम जब उसे स्टाइलिंग डालेंगे तो उसको हम मेकअप करेंगे राइट तो समझो यहाँ पे मैंने बड़ा अगली साल है कि कुछ तो इसका मेकअप किया मैंने इसको बॉडी कलर पूरा जिसका बैकग्राउंड कलर था उसको मैंने येलो कर दिया है सपोज मैंने इसको शायद रेड किया होता तो ये ज्यादा बेटर दिखता आप लोग को नेक्स्ट टाइम हम जरूर इसे ट्राई करेंगे सो so, ये थे हमारे कुछ और चीज़ें जो हम फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स जो हम पढ़ चुके हैं में

इससे क्या होता है रेडियो बटन से आप सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो समझो मुझे अगर आपको एमसीक्यू दिया है मैंने तो मैं आपको कहूंगी सिर्फ एक ही कभी ऐसा मल्टी वैल्यू वाला एमसीक्यू फोर ऑप्शंस में कभी देखा है हाँ होते हैं कभी कभी मल्टी वैल्यूज बट वो अलग चीज में आते हैं तो हम रेडियो बटन को इंट्रोड्यूस करते ताकि बंदा सिर्फ एक ही चीज को सिलेक्ट करेगा या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी

नेक्स्ट है सबमिट बटन अभी हमने देखा सबमिट सबमिट बटन सब्मिट बटन पे हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे जो डेटा है हमारी जो चीजें हमने एनरोल की है उसे हम सबमिट कर देंगे यानी समझो मैंने कुछ गलत एंट्री कर दी है तो जो रिसेट बटन है वो उसे रिसेट रिसे कर देगा पूरे स्क्रीन को क्लियर कर देगा आपको एक एक जाके क्लियर नहीं करना पड़ेगा सेलेक्ट सिलेक्ट सबको पता होगा टेक्स्ट एरिया जो मैं बोल एड्रेस कभी कभी हमारे बड़े रहते हैं

अब इतना तो पढ़ लिया हमने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ लिया हमने रेडियो बटन पढ़ लिया हमने चेक बॉक्स पढ़ लिया बट तो इसके अलावा भी कुछ चीजें नेसेसरी है ना इसके अलावा भी और एडवांसमेंट होना चाहिए हमारे एच में तो अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एच टी को अब जो हमारा एच टी है ये हमें और सारे इनपुट वैल्यूज देते हैं जिससे हम और सारी चीजें कर सकते हैं और सारे और चीजें रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं हमारे जो फॉर्म है उसमें जैसे मैंने ईमेल वाला बताया सेम उसी प्रकार सो so, बाकी के जो चीजें हैं बाकी का जो कंटेक्स्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इतना बसों की आजकल बेसिक वाला जो सिंटेक्स था तो उसे परफॉर्म करो ट्राई करो नहीं हो रहा है आपसे तो हम वापस कर एक चीज देखने वाले कल हम फॉर्म का देखेंगे उसमें हम वापस देखेंगे कि एच टी एम एल का सिंटेक्स क्या था कैसे था क्यों था एवरीथिंग ओके सो होप यू है वीडियो लाइक like करना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आप सबने मुझे सपोर्ट किया शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले हम पढ़ रहे हैं बंदा हमने स्टार्ट कर दिया है शेयर कर दिया लाइक कर दिया सब्सक्राइब भी कर दो इतना तो बनता है हमारे लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए सा और सारे वीडियो सिक्वेंस में अच्छे से लाइक किया सब्सक्राइब किया कमेंट कर दो डाउट है तो हम सॉल्व करेंगे एफर्ट से सॉल्व करेंगे इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स देंगे कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए ओके थैंक यू सो मच